हेलो दोस्तों, आज हम बात करते हैं कि क्या जो नोटरी से एफिडेविट बनवाकर जो शादी की जाती है, क्या वो वैलिड है या नहीं। तो दोस्तों, आज मैं यही जानकारी लेकर आपके सामने हाजिर हूँ हमारे चैनल भारद्वाज लो टिप्स एंड गाइड में। तो दोस्तों, वीडियो एंड तक देखिए और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। तो दोस्तों, काफ़ी बार देखा जाता है कि कुछ लोग एफिडेविट पर शादी कर लेते हैं क्योंकि उनको ये नॉलेज नहीं होती कि जो एफिडेविट पर वो शादी कर रहे हैं वो वैलिड है या नहीं, और जो लोग उनकी शादी करवा रहे हैं वो उनको बेवकूफ़ बना देते हैं और नोटरी जो कागज़ है वो अटेस्ट करवा के नोटरी से उनको ये बोल दिया जाता है कि हमने आपकी शादी करवा दी है और ये कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, जो जो शादी की है उन्होंने नोटरी से अटेस्ट करवा के जो एफिडेविट से जो शादी की है वो वैलिड नहीं मानी जाती। अब बात आती है कि क्या जो आपको नोटरी से अटेस्ट किया और जो डॉक्यूमेंट्स दिया है क्या वो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट माना जाएगा या नहीं। ऐसा कुछ नहीं होता, जो आपको नोटरी पेपर दिया हुआ है वो वैलिड नहीं माना जाता, बल्कि जो एफिडेविट होता है जो नोटरी से हम अटेस्ट करवाते हैं उसका जो इस्तेमाल किया जाता है वो सिर्फ स्टेटमेंट के लिए किया जाता है कि जो मैं स्टेटमेंट दे रहा हूँ वो ये स्टेटमेंट है और ये वैलिड माने जाए, ना कि इससे शादी की जा सकती है। जैसे कि अगर कोई लड़का लड़की किसी रजिस्टर्ड जो आर्य समाज मंदिर होते हैं जो वैलिड होते हैं उनसे अगर कोई शादी करके आता है और उसके बाद अगर कोई कोर्ट में उसको रजिस्टर्ड करवाता है उस टाइम एफिडेविट की जरूरत पड़ती है जो हम नोटरी से अटेस्ट करवा के देते हैं, क्योंकि उसमें जो लड़का लड़की है वो अपनी राय देते हैं कि हम बालिक हैं और हमारा ये एड्रेस है और हमने शादी कर लिया, हम अपनी शादी रजिस्टर्ड करवाना चाहते हैं, वहाँ ज़रूरत पड़ती है एफिडेविट की, ना कि एफिडेविट पर शादी होती है। तो दोस्तों, अगर आप एफिडेविट पे शादी कर रहे हो तो ये ध्यान रखिए कि वो शादी वैलिड नहीं मानी जाती, बल्कि अगर आपको शादी करनी है तो किसी वैलिड आर्य समाज मंदिर से करें जो कि वैलिड हो। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी वीडियो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना नहीं भूलें, और किसी भी लीगल हेल्प के लिए हमारी सोशल साइट पर संपर्क करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद।